नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 27 दिसंबर। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। छपरा जहरीली शराब कांड को लेकर 3 मुख्य आरोपी हुए गिरफ्तार। बिहार में औद्योगिक निवेश के 30 प्रस्तावों को मिली मंजूरी। नए साल से बिहार से उड़ान भरने वाली फ्लाइट का किराया हुआ डबल। लालू तेजस्वी को CBI ने दिया करारा झटका। जानिए रोहित बुमराह और जडेजा कब करेंगे टीम इंडिया में वापसी। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। SJVN लिमिटेड ने 80 रिक्तियों के लिए भर्ती अधिसूचना जारी किया। सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड ने फील्ड इंजीनियर और फील्ड ऑफिसर के कुल मिलाकर 80 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया है। इन पदों के लिए अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो कैंडिडेट को सिविल, मैकेनिकल, एनवायरमेंटल, इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में बैचलर डिग्री या CAICWA CMA MBA PG डिप्लोमा पास होना चाहिए। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इस वैकेंसी नोटिस के बारे में समस्त जरूरी जानकारी के लिए इसी वीडियो के इसी पेज पर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वेब लिंक पर जरूर क्लिक करें। आवेदन करने की अंतिम तारीख 10 जनवरी 2023 तक है। विस्तृत जानकारी के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट sjvn.nic.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। छपरा जहरीली शराब कांड को लेकर 3 मुख्य आरोपी हुए गिरफ्तार। पुलिस बिहार के छपरा में हुए शराब कांड को लेकर लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में पुलिस के द्वारा 3 और मुख्य आरोपित को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें पूछताछ जारी है। इस बात की जानकारी पटना के ADG जितेंद्र सिंह गंगवार के द्वारा दी गई है। बता दें कि इन 3 आरोपितों की गिरफ्तारी के बाद अब तक इस मामले को लेकर कुल 14 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। इसके साथ ही 2 आरोपित अब भी फरार है, जिसे पुलिस के द्वारा खोजा जा रहा है। ADG जितेंद्र सिंह गंगवार के द्वारा दी जानकारी के अनुसार सारे पुलिस लगातार इस मामले पर कार्रवाई कर रहे हैं। वहीं जांच के दौरान यह भी पता चला है कि जहरीली शराब रासायनिक पदार्थों से बनाई जाती थी। बिहारी बर्थडे स्पेशल में आज हम बात करेंगे शंकर दयाल सिंह के बारे में। शंकर दयाल सिंह का जन्म आज ही के दिन 1937 में औरंगाबाद बिहार में हुआ था। ये एक राजनेता तथा हिंदी साहित्यकार थे। यह 5वीं लोकसभा में सबसे कम उम्र के सांसदों में से एक होने के अलावा वह सत्तारूढ़ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के केंद्रीय चुनाव समिति के एक निर्वाचित सदस्य भी रह चुके थे। वह कांग्रेस कार्य समिति में विशेष आमंत्रित सदस्य थे। इसके साथ ही शंकर दयाल सिंह एक विपुल लेखक और 30 से अधिक पुस्तकों के प्रकाशित लेखक थे। जागरण, प्रभात खबर आदि में हिंदी की एक पत्रिका मुक्ता कांथा के संपादक भी थे। 1990 में उन्हें बिहार रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया। समाज और साहित्य में उनके योगदान के लिए 1993 में शंकर दयाल सिंह जी को अनंत गोपाल सेवडे हिंदी सम्मान तथा 1994 में गाडगिल राष्ट्रीय सम्मान से नवाजा गया। भारतवर्ष के कई संस्थानों, संगठनों व राज्य सरकारों से उन्हें अनेकों पुरस्कार प्राप्त हुए। गंडक की सहायक नदी में दिखी डॉल्फिन। बिहार के बघा में गंडक नदी की सहायक नदी हरहा में डॉल्फिन देखा गया है, जिसके बाद वहां डॉल्फिन को देखने के लिए लोगों की भीड़ लग गई। मिली जानकारी के अनुसार स्थानीय लोगों के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार 3 दिनों से मलपुरवा ब्रिज के पास वो डॉल्फिन दिखाई दे रही थी, जिसके बाद वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया के फील्ड ऑफिसर पावेल घोष के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के बघा रेंज के रेंजर सहित एक्सपर्ट समेत डॉल्फिन पर काम करने वाले लोगों को शामिल कर एक टीम का गठन किया गया है, जिनकी सहायता से डॉल्फिन को रेस्क्यू कर गंडक नदी में छोड़ा जाएगा। जानकारी के लिए बता दें कि भारत सरकार के द्वारा इस जलीय जीव को 1972 में भारतीय वन जीव संरक्षण कानून के दायरे में शामिल किया गया है। बिहार में 60 से 70% बिजली की ही डिमांड। बिहार में बिजली की मांग घट गई है। बिजली कंपनियां निर्धारित केंद्रीय कोटा के अनुसार बिहार में ठंड को देखते हुए बिजली की खपत घटकर अब 60 से 70% तक हो गई है। वहीं बिजली की डिमांड कम होने से इकाई को रिजर्व शटडाउन में डालना पड़ता है। फिलहाल बिहार से जुड़ी 107 मेगावाट की फरक्का की 2 यूनिट शटडाउन चल रही है। बिजली की मांग कम होने से शेष कोटे की बिजली लेने के लिए फिक्स्ड कास्ट चार्ज होता है, जिसका खर्च भी विभाग को मजबूरी में चुकाना पड़ रहा है। बता दें कि यह फिक्स्ड कास्ट चार्ज उत्पादन इकाई की कुल लागत व बिजली उत्पादन में इस्तेमाल होने वाले ईंधन के मूल्य आदि के औसत पर निर्भर करता है। बिहार में औद्योगिक निवेश के 30 प्रस्तावों को मिली मंजूरी। बिहार राज्य निवेश प्रोत्साहन परिषद की 44वीं बैठक में बिहार में औद्योगिक निवेश के 30 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई है, जिसे कुल 459 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया जाएगा। आधिकारिक जानकारी के अनुसार इस बैठक में कुल 29 प्रस्तावों को हरी झंडी दिखाई गई है, जिसके तहत अधिकतर निवेश प्रस्ताव राइस, खाद्य प्रसंस्करण और सामान्य विनिर्माण क्षेत्र से जुड़ा है। इसके अलावा इस बैठक में औद्योगिक क्षेत्र के लिए 34.14 करोड़ रुपए प्रस्तावित कर 11 इकाइयों के लिए भूमि
भूमि भी आवंटित की गई है। वहीं मिली जानकारी के अनुसार औद्योगिक परियोजनाओं को समय पर पूरा किया जा सके इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अथॉरिटी के इंजीनियर और ठेकेदारों के द्वारा 2 शिफ्टों में कार्य किया जाएगा। बीते दिन थम गया बिहार नगर निकाय चुनाव के प्रचार का शोर। बिहार नगर निकाय चुनाव के दूसरे चरण में 68 निकायों पर होने वाली वोटिंग को लेकर बीते दिन शाम 5 बजे से चुनाव प्रचार का शोर थम चुका है। बता दें कि अब 28 दिसंबर को इस चुनाव को लेकर वोटिंग करवाई जाएगी। वोटिंग का समय सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक निर्धारित किया गया है। वहीं वोटिंग की मतगणना 30 दिसंबर को सुबह 8 बजे से शुरू की जाएगी। जानकारी के लिए बता दें कि दूसरे चरण के लिए मैदान में 23 जिलों के कुल 11,884 प्रत्याशी शामिल होंगे, जिनके भाग्य का फैसला 61,94,826 मतदाता के द्वारा निर्धारित किया जाएगा। वहीं मतदान की प्रक्रिया को लेकर नगर निगम चुनाव में प्रत्येक वार्ड के लिए नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गई है जो 24 घंटे काम करेगी। नए साल से बिहार से उड़ान भरने वाली फ्लाइट का किराया हुआ डबल। बिहार से उड़ान भरने वाली फ्लाइट के किराए में नए साल से यानी कि 1 जनवरी से डबल हो रहा है। बता दें कि अब चेन्नई का विमान किराया वहां के सामान्य न्यूनतम विमान किराए से 2.5 गुना ज्यादा होगा, जबकि पुणे व बेंगलुरु का 2 गुना किराया ज्यादा हो जाएगा। वहीं हैदराबाद जाने का विमान किराए में लगभग 2.5 गुना की बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा दिल्ली जाने वाली फ्लाइट में भी 30 दिसंबर से 2 जनवरी तक 2.25 गुना वृद्धि होगी। बताते चले कि ऐसी उम्मीद की जा रही है कि आने वाले 3 से 4 दिनों में विमान के किराए में और भी बढ़ोतरी देखी जा सकती है। इस बात की जानकारी goibibo.com पर सूची उपलब्ध करके दी गई है। बिहारी पर्यटन में आज हम बात करेंगे मुंगेर का किला के बारे में। मुंगेर का किला मुंगेर जिला का एक मुख्य पर्यटन स्थल है। यह किला मुंगेर जिले में गंगा नदी के किनारे बना हुआ है। इस किले का प्रवेश द्वार बहुत सुंदर है। प्रवेश द्वार के ऊपर आपको घड़ी देखने के लिए मिलती है, किंतु ऐसा माना जाता है कि इसका निर्माण गुलाम वंश के आरंभिक शासकों में से किसी ने कराया था। इस किला में 4 द्वार है, जिसमें उत्तरी द्वार को लाल दरवाजा के नाम से जाना जाता है। यह विशाल दरवाजा नक्काशीदार पत्थरों से हिंदू बौद्ध शैली में बना हुआ है। किले में स्थित गुप्त सुरंग पर्यटकों के लिए मुख्य आकर्षण का केंद्र है। प्राचीन काल में मुंगेर किला का निर्माण मगध सम्राट जरासंध ने करवाया, जिसका वर्णन महाभारत में भी है। बता दें इस किले पर कई शासक ने अपना वर्चस्व स्थापित किया था। राज्य में खाद की किल्लत पर केंद्र सरकार पर बरसे नीतीश के मंत्री। बिहार के सभी जिलों में यूरिया खाद की किल्लत बढ़ गई है, जिस वजह से किसानों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और साथ ही मुंह मांग की कीमतों में खाद खरीदना पड़ रहा है। वहीं राज्य में खाद की बढ़ती किल्लत को देखते हुए नीतीश सरकार के कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत ने केंद्र सरकार पर हमला करते हुए कहा है कि इस बार राज्य में यूरिया की मांग ज्यादा है और इसके बावजूद केंद्र आवंटन नहीं कर रहा है। वहीं अगर आवंटन मिल जाती है तो रैंक भेजने में जानबूझकर देरी की जाती है। अगर केंद्र सरकार यूरिया तब भेजेगी जब समय समाप्त हो जाएगा, तो फिर इससे क्या फायदा मिलेगा। उन्होंने कहा कि किसानों के मामले पर राजनीति न हो। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि राज्य में यूरिया की आवश्यकता 7,90,000 मीट्रिक टन है, जबकि इसकी उपलब्धता 5,77,294 मीट्रिक टन ही है। बिहार में 28 दिसंबर से पड़ सकती है ठंड। बंगाल की खाड़ी के इलाके में विकसित प्रति चक्रवात का प्रभाव बिहार के मौसम पर पड़ रहा है। माना जा रहा है कि अगले 2 दिनों तक राज्य के अधिकांश हिस्सों में आसमान में बादल छाए रहेंगे। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार राज्य के न्यूनतम तापमान में अगले 2 दिनों तक विशेष बदलाव के आसार नहीं है, लेकिन उसके बाद 28 दिसंबर से राज्य के न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री तक की कमी देखी जा सकती है, जिससे ठंड बढ़ने के आसार है। इस दौरान मौसम शुष्क रहने की संभावना है। सुबह में राज्य में कहीं कहीं हल्के से मध्यम दर्जे का कोहरा छा सकता है। वहीं कुछ इलाकों में धुंध और बाद में आंशिक बादल भी छाए रह सकते हैं। बिहार के सड़कों पर बिना बीमा के दौड़ रहे 57% वाहन। भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार राज्य के सड़कों पर 57% गाड़ियां ऐसी हैं जो बिना बीमा के दौड़ रही हैं। हालांकि अगर राष्ट्रीय औसत की बात की जाए तो राष्ट्रीय औसत में 50% गाड़ी ऐसी है जो बिना बीमा के दौड़ रही है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अगर बिना थर्ड पार्टी बीमा के सड़कों पर गाड़ी चलाई जाती है तो पकड़े जाने पर मालिकों पर जुर्माना का प्रावधान है। बता दें कि इसके अलावा राज्य में जीवन बीमा का प्रतिशत भी अच्छा नहीं है। बिहार में प्रति 1,000 व्यक्ति पर 165 लोगों ने जीवन बीमा लिया है। वहीं अगर देश की बात की जाए तो देश में प्रति 1,000 व्यक्ति पर 262 लोगों ने जीवन बीमा लिया है। ठंड में गंगा नहाने से डरने वालों को हरिद्वार में युवक दे रहा ऑफर।
इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है जिसमें एक युवक हरिद्वार में ठंड में गंगा नहाने से डरने वाले लोगों को ऑफर दे रहा है। बता दें कि इस युवक का नाम मनोज निषाद है जो भूपतवाला मुखिया गली का निवासी है। दरअसल इस वीडियो में मनोज निषाद उन लोगों को ऑफर दे रहे हैं जो ठंड में गंगा में डुबकी लगाने से डर रहे हैं। यह युवक वीडियो में बोलता नजर आ रहा है कि सर्दी भरे मौसम में आपके बदले हम गंगा में डुबकी लगाएंगे, अगर आप डुबकी नहीं लगाना चाहते तो 10 रुपए देकर रसीद कटवाएं और अपने नाम की डुबकी लगवाएं, इसका पुण्य आपको मिलेगा, लेकिन आप जो 10 रुपए देंगे वो हमको मिलेगा। बता दें कि मनोज एक सामाजिक कार्यकर्ता है जो ठंड में गरीब बच्चों को कपड़े देने के लिए पैसे जुटा रहे हैं। गया में मिले 11 विदेशी कोरोना संक्रमित, कोरोना ने अब बिहार में भी दस्तक दे दिया है। बता दें कि बिहार के गया जिले में खबर लिखने जाने तक कुल 11 विदेशी पॉजिटिव पाए गए हैं। इन सभी संक्रमितों को फिलहाल आइसोलेटेड कर दिया गया है और अभी सभी संक्रमित स्वस्थ हैं। इस बात की जानकारी सिविल सर्जन रंजन सिंह के द्वारा दी गई है। बता दें कि इससे पहले भी 4 संक्रमित कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं जिनमें से एक थाईलैंड, 2 इंग्लैंड और 1 म्यांमार का निवासी है। सिविल सर्जन रंजन सिंह ने जानकारी देते हुए कहा कि अब तक जो भी 11 कोरोना संक्रमित मिले हैं उन्हें आइसोलेट कर लिया गया है और फिलहाल सभी स्वस्थ हैं। लोग भी सावधानी बरतें और भीड़भाड़ जैसे इलाकों में जाने से खुद को बचाए रखें। लालू तेजस्वी को सीबीआई ने दिया करारा झटका। एक बार फिर सीबीआई लालू यादव से जुड़े एक भ्रष्टाचार के मामलों में जांच की शुरुआत करने जा रही है। बता दें कि यह मामला तब का है जब लालू यादव रेल मंत्री हुआ करते थे। वहीं जिस मामले में सीबीआई के द्वारा 2021 के बाद फिर से जांच की प्रक्रिया शुरू की गई है वह IRCTC घोटाला मामला है। इससे पहले भी सीबीआई ने इस मामले को लेकर संलिप्त संदेहास्पद कुछ लोगों के यहां छापेमारी कर गिरफ्तार किया गया था। जानकारी के लिए बता दें कि इस मामले में जांच की शुरुआत साल 2018 में की गई थी, लेकिन 2021 में जांच को बंद कर दिया गया था, जिसके बाद एक बार फिर इसकी जांच की प्रक्रिया शुरू हो गई है। रेलवे घोटाले का यह मामला न सिर्फ लालू यादव बल्कि उनके आसपास रहने वालों के लिए भी मुसीबतें बढ़ने वाली है। बिहार में मंदार पर्वत से खड़गे भरेंगे भारत जोड़ो यात्रा में हुंकार। नया साल 2023 बिहार कांग्रेस के लिए बेहद खास माना जा रहा है क्योंकि उनके लिए नए साल की शुरुआत भारत जोड़ो यात्रा से होने वाली है। बता दें कि बिहार में भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत 5 जनवरी से बिहार के बांका जिले के मंदार पर्वत से शुरू होगी। बिहार में इस यात्रा का शुभारंभ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के द्वारा दी जाने वाली है। संबोधन से शुरू होगी यात्रा, 1200 किलोमीटर का सफर तय कर बोधगया पहुंचेगी। कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष संजीव कुमार सिंह के द्वारा इस यात्रा को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई है। इसके साथ ही संजीव कुमार सिंह के द्वारा 25 सदस्यीय कोर कमेटी का गठन भी किया गया है। तेज प्रताप हुए परेशान, जाने क्या है मामला। बिहार के वन एवं पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव इन दिनों काफी परेशान हो गए हैं। दरअसल उनके परेशान होने का कारण उनके घर से ऊपर फ्लाइट का गुजरना है। बता दें कि तेज प्रताप यादव ने सोशल मीडिया पर अपने आवास का भ्रमण करवाते हुए एक ब्लॉग का लिंक शेयर किया। इस लिंक में जिस वीडियो को उन्होंने पोस्ट किया है उसमें प्लेन की आवाज आ गई जिससे वह परेशान नजर आए। उन्होंने अपने उस वीडियो में खुद इस बात की चर्चा भी की है। उन्होंने कहा कि जब हमारे घर के ऊपर से प्लेन जाता है तो दिमाग खराब हो जाता है। उन्होंने कहा कि ऐसे हम लोगों को तो आदत हो गई है इसकी आवाज सुनने की, लेकिन अगर कोई नया इंसान आता है और वह दिन रात इस आवाज को सुनता है तो शॉक हो जाएगा। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय को जेडीयू ने दिया जवाब। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय के आरोप पर पलटवार करते हुए तंज कसा है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार केवल बिहार के लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए समर्पित है, इसलिए उनके बारे में कुछ बताने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि नित्यानंद राय ने हाल ही में राज्यसभा में एक रिपोर्ट पेश की थी जो मानवाधिकार से संबंधित था, जिसमें ऐसा बताया गया था कि 40% मानवाधिकार के हनन का मामला केवल यूपी से जुड़ा है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि प्रशासन का दुरुपयोग किया जा रहा है। बीजेपी के पास कोई मुद्दा ही नहीं है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार पूरी तरह से विफल है। बिहार के लोग बीजेपी की नीति और एजेंडा को समझ चुके हैं। ये लोग सिर्फ धर्म जाति के नाम पर बांटने का काम करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी से मिलेंगे उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी से मिलने वाले हैं। बता दें कि दूसरी बार है जब तेजस्वी यादव बीजेपी के किसी दो शीर्ष नेताओं से मिलेंगे। सबसे पहली बार तेजस्वी यादव की मुलाकात अमित शाह से हुई थी। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी नमामि गंगे से जुड़े एक हिस्से का उद्घाटन के लिए कोलकाता में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे, जहां इस परियोजना से जुड़े सभी राज्यों के मुख्यमंत्री भी मौजूद होंगे। हालांकि बिहार का प्रतिनिधित्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जगह उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के द्वारा किया जा रहा है, जहां उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री मोदी से होगी। जानकारी के लिए बता दें कि इस परियोजना की शुरुआत 2014 में गंगा नदी को स्वच्छ बनाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा की गई थी।
नए साल में नीतीश सरकार करेगी बीजेपी की छुट्टी। महागठबंधन के एक वरिष्ठ नेता के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार बिहार में बोर्ड, निगम और आयोग का पुनर्गठन कर आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस समेत महागठबंधन में शामिल पार्टियों के वरिष्ठ नेताओं को उच्च पदों पर नीतीश सरकार नियुक्त कर सकती है और साथ ही इसमें से बीजेपी के नेताओं को बाहर निकालने की भी कोशिश की जाएगी। राजद के वरिष्ठ नेता ने कहा कि निकायों से भाजपा प्रत्याशियों को हटाने के लिए कवायद की जरूरत है। गौरतलब हो कि उपमुख्यमंत्री व राजद नेता तेजस्वी प्रसाद यादव के द्वारा भी इस बात का संकेत दिया गया था। तेजस्वी यादव ने कहा था कि संगठन में अच्छा प्रदर्शन करने वालों को जल्द ही पुनर्गठित किए जाने वाले बोर्ड और निगम में नियुक्ति की जाएगी। जानिए रोहित बुमराह और जडेजा कब करेंगे टीम इंडिया में वापसी। ऐसा माना जा रहा है कि नियमित कप्तान रोहित शर्मा, बुमराह और जडेजा श्रीलंका के खिलाफ खेले जाने वाले वनडे सीरीज में नजर आ सकते हैं। दरअसल रोहित शर्मा की उंगली में बांग्लादेश के खिलाफ खेले जा रहे दूसरे वनडे सीरीज में गंभीर चोट लग गई थी, जिसकी वजह से उन्हें टीम से बाहर होना पड़ा था। वहीं तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की पीठ में चोट लगने की वजह से टीम से बाहर हो गए थे। इसके अलावा स्पिन ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा घुटने की इंजरी से जूझ रहे हैं, जिस वजह से वह टी20 विश्व कप 2022 से पहले बाहर हो गए थे। हालांकि ये तीनों खिलाड़ी अपनी फिटनेस को पूरी तरह से हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं और तीनों फिर से खेलने के लिए तैयार हैं। भारत के इतिहास में आज की तारीख है बेहद खास। कोलकाता में 1861 में पहली बार चाय की सार्वजनिक बोली संपन्न हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन के दौरान 1911 में पहली बार जन गण मन गाया गया। वैश्विक अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के लिए 1945 में विश्व बैंक की स्थापना की गई। 29 सदस्य देशों के साथ 1945 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की गई। झारखंड के धनबाद जिले स्थित चासनाला में 1975 में हुए कोयला खदान दुर्घटना में 372 लोगों की मौत हुई। भारत पाक युद्ध रोकने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका व रूस सक्रिय। लश्कर ए तोयबा ने 2001 में अब्दुल वाहिद कश्मीरी को अपनी नया प्रमुख नियुक्त किया। भारत ने 2004 में तीसरे और अंतिम वनडे में बांग्लादेश को हराकर श्रृंखला 2-1 से जीती। सन 2008 में वी सांताराम पुरस्कार समारोह में तारे जमी पर को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया। भारत के राजनेता तथा हिंदी साहित्यकार शंकर दयाल सिंह का जन्म 1937 में हुआ। बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान का जन्म 1965 में हुआ। उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री नित्यानंद स्वामी का जन्म 1927 में हुआ। वायरल खबर में आज हम बात करेंगे मोबाइल वाईफाई नेटवर्क के बारे में। सोशल मीडिया पर कई सूचनाएं वायरल होती है लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं है। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे मोबाइल वाईफाई नेटवर्क के बारे में। दरअसल पीआईबी ने अपने एक ट्वीट में लिखा है कि एक पत्र में दावा किया जा रहा है कि भारत सरकार डिजिटल इंडिया मोबाइल वाईफाई नेटवर्क के तहत टावर लगा रही है, जिसके आवेदन शुल्क के रूप में 740 रुपए जमा करने होंगे। पीआईबी ने अपने ट्वीट में आगे लिखा है कि यह दावा फर्जी है। यह पत्र भारत सरकार द्वारा जारी नहीं किया गया है। यह धोखाधड़ी का एक प्रयास है। 40 करोड़ ट्विटर यूजर्स पर हुआ बड़ा साइबर अटैक। ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर के 40 करोड़ यूजर पर साइबर अटैक हुआ है, जिसके इन सभी के डाटा को हैकर के द्वारा चोरी कर डार्क वेब पर बिक्री के लिए उपलब्ध कराया गया है। मिली जानकारी के अनुसार जिन यूजर्स का डाटा लीक हुआ है उनमें उनका नाम, ईमेल आईडी, फॉलोवर्स की संख्या और फोन नंबर भी शामिल है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह पहली बार नहीं है जब ट्विटर से यूजर का डाटा लीक किया गया है। उससे पहले भी 54 लाख यूजर्स का डाटा लीक हो चुका है, लेकिन इस बार डाटा लीक हुआ है उनमें कई नाम ऐसे शामिल हैं जो हाई प्रोफाइल कम्युनिटी से आते हैं। वहीं ऐसा माना जा रहा है कि डाटा लीक होने का मुख्य कारण एपीआई में हुई गड़बड़ी है। वहीं फिलहाल इस मामले की जांच चल रही है। अब व्हाट्सएप के स्टेटस अपडेट में होंगे जरूरी बदलाव। व्हाट्सएप अपने यूजर के एक्सपीरियंस को बेहतरीन बनाने के लिए एक नया फीचर लेकर आया है जो यूजर्स को स्टेटस अपडेट की रिपोर्ट करने देगा। बता दें कि यह फीचर डेस्कटॉप बीटा पर पेश किया जाएगा। यह नया फीचर यूजर्स को स्टेटस सेक्शन में एक नए मेन्यू में स्टेटस अपडेट की रिपोर्ट करने की अनुमति देगा। अगर यूजर किसी भी संदिग्ध स्टेटस अपडेट को देखते हैं जो व्हाट्सएप सर्विस की शर्तों का उल्लंघन कर सकता है तो वे इसे नए विकल्प के साथ मॉडरेशन टीम को रिपोर्ट कर सकेंगे। बता दें कि यह सुविधा एंड टू एंड एनक्रिप्शन को प्रभावित नहीं करती है, यानी कि न तो व्हाट्सएप और न मेटा यूजर्स के संदेशों कॉन्टेक्ट देख सकता है और उनकी निजी कॉल सुन सकता है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है रविशंकर, मृत्युंजय कुमार, नन्नू गोलू कुमार, अमन कुमार यादव, रंजीत मिश्रा, अजीमा फिरदौस, कुमार पुरुषोत्तम, अखिलेश यादव, आफ्ताब शेख, अंजना मिश्रा, घनश्याम चौधरी, प्रहलाद कुमार, रविकांत, प्रद्युम्न अमित, कुश कुमार यादव। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, नए साल पर आप सभी कहां घूमने की तैयारी कर रहे हैं? अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं।
आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज, और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।